दिलीप की पहली गेंद, पहली गेंद का स्वागत जरूर किया है। पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, एक रन के साथ यहां पर जरूर खाता खुलता हुआ, श्री कृष्ण जरूर होता हुआ एक रन के साथ श्री कृष्ण स्पोर्ट्स टीवी की टीम का। गंगा परफेक्ट ऑलराउंडर किसे कहा जाता है, परफेक्ट ऑलराउंडर इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर गंगा, जिन्होंने किफायती भरी गेंदबाजी की पहला ओवर, उसी तरीके से बल्लेबाजी की चाहत, गेंद पर किया प्रहार, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता दो रन आसानी के साथ पूरे किए, तो रन यहां पर पूरे किए हैं। गंगा की अगर बात करें तो विनर स्पोर्ट्स नारा सुपारा की जो टीम है उसमें परफॉर्मेंस करते हैं ओपन क्रिकेट में, और एक गांव एक संघ हो तो फिर अपनी घरेलू टीम श्री कृष्ण स्पोर्ट्स दीवे की ओर से परफॉर्मेंस करते हैं। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत थी लेकिन बैट और बॉल की जरूर यहां पर मुलाकात हुई है, इसलिए अपील में नकार दिया। एक अनुभव से भरपूर अंपायर नरेंद्र भारती, कम उम्र में ही अंपायरिंग की कुशलता रखने वाला ये अंपायर, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर थी लेकिन फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गया, गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड किया। और स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त थमा हुआ रुका हुआ वो है 3 रनों पर। स्कोर दर्शाता हुआ 3 रन, अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी दिलीप की इस वक्त देखने मिलती हुई। दिलीप की अगली गेंद कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, और इस एक रन के साथ स्कोर दर्शाता हुआ 4 रन। लक्ष्य है 33 रनों का, 33 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, खाली क्षेत्र में खेला गया, उसको गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति, और स्कोर बोर्ड पर नजर डाले तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 8 रनों पर बिना कोई विकेट गवाए। न्यू बैट्समैन तो वही है लेकिन गेंदबाज चेंज हुए हैं, क्योंकि बल्लेबाजों की अगर बात करें तो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल कांधों के ऊपर जो सर है उसका सही तरीके से इस्तेमाल इन्होंने किया है, इन्हें पता है कि हर ओवर में कितने रन जोड़ने हैं, अगर वो इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो स्कोर तक के पहुंचने की जो मुहिम है उनकी वो उसमें कामयाबी जरूर हासिल कर सकते हैं। जीत के लिए लक्ष्य 33 रनों का रखा गया है, टारगेट 33 रन का रखा गया है, अब देखने वाली बात यह है कि इस टारगेट तक के कैसे पहुंचने में क्या कामयाबी मिलती है या फिर लोहे के चने चबाने होंगे यहाँ पर श्री कृष्ण युवा की टीम को। इस बार देखिए गेंद में थोड़ा सा पहनापन, कसी हुई गेंदबाजी कहा जा सकता है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज, बड़े हिट की चाहत है लेकर बैट को स्विंग करते हुए लेकिन गेंद और बल्ले की जो नाराजगी थी वो गेंद डॉट के रूप में कन्वर्ट हुई। इस बार प्रहार किया है, गेंद आती हुई लवन के क्षेत्र में लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। बिल्कुल एक तरफ कांदे वाले की टीम है, इस टीम ने भी काफी मेहनत की है इस क्षेत्र में, काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेली है। इस बार फुल टॉस गेंद थी,
गेंद पर किया प्रहार, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन हो गए। यस चार रन, चार्जर साहब इस चार रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 13 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। टीवी की अगर बात करें श्री कृष्णा स्पोर्ट्स टीवी, ये गोल ग्राउंड में ज्यादा परफॉर्मेंस करती है कर्नाटक पर मेरे ख्याल से, जिस तरीके से इनके पास स्ट्रोक हैं, इस बार बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में, बिल्कुल उस क्षेत्र में। अगर न्यू मुंबई में अगर बात करें तो ज्यादातर गोल ग्राउंड पर ही टूर्नामेंट्स देखने मिलते हैं, बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स। लेकिन अगर बात करें कांदेवली और जब दोनों ही टीमें आमने सामने आ चुकी हैं, तो देखना यह है कि जीत का सहरा किसके सर होगा, कौन सी टीम है जो अपने क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस जीत के माध्यम से करेगी। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार देखिए प्रहार तो किया है, गेंद काफी समय तक के हवा में और खूबसूरत कैच, और ये पहला झटका जरूर लगता हुआ इस वक्त श्री कृष्णा स्पोर्ट्स दीवे की टीम को। विदाउट सपोर्ट ना रखे मजा नहीं रह सकता है ठीक है तेरा गेंदे जीत के लिए 19 रनों की जरूरत है इस वक्त, 13 गेंदे 19 रन है। न्यू बैट्समैन आए हैं जैन, लेकिन गंगा मेहनत करते हुए पैडल स्वीप करना चाह रहे थे, घुटनों को जमीन में गाड़कर स्ट्रोक को अंजाम देने की इनकी कोशिश थी, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। ओवर की हुई है समाप्ति, दूसरा ओवर लेकर आए थे गेंदबाज अविनाश, और अविनाश ने अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की है। एक बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में देखने जरूर मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खर्च किए 6 रन 1 विकेट लेकर, एक विकेट जरूर यहां पर मिला है। 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 19 रन। 19 रन कंपलसरी चेजिंग है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज लक्ष्य में रखिएगा, क्योंकि इस ग्राउंड का इस टूर्नामेंट हर टूर्नामेंट में यहां पर ज्यादातर कंपलसरी चेजिंग ही आपको देखने मिलेगा इस घोड़बंदर क्षेत्र में। तो अब देखने वाली बात यह है कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से यहाँ पर मान के हाथों में गेंद थमाई गई है। मान अब किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, श्रीकांत ने कुछ कान मंत्र दिया है, अब देखने वाली बात यह है कि कान मंत्र फायदेमंद होगा या फिर हानिकारक, क्योंकि मान ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, कुछ गेंदों का सामना किया अपनी टीम के लिए, मान ने रन जोड़े थे 2 गेंदों में 6 रन, पहली गेंद पर 6 जड़कर वो ज्यादा टाइम विकेटों पर नहीं बिताना चाह रहे थे, बड़े हिट के साथ आगाज करने के बाद आउट हो गए थे। गेंदबाजी किस प्रकार की करते हैं ये देखने वाली बात जरूर है। इस बार ये गेंद अच्छी डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई और 1 रन लग पाई इसके ऊपर, क्या बात है। नरेंद्र जो कि अंपायर की भूमिका में अनुभव से भरपूर अंपायर, छोटे से कद काटे के हैं, छोटी सी उम्र के हैं, लेकिन अंपायरिंग की भूमिका में बखूबी बहुत ही बढ़िया कैमरे में नजर आते हैं। अगली गेंद मान की, इस बार किया प्रहार लेकिन गेंद नहीं जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, खूबसूरत कैच, विकेट का बदक, मैच में रोमांच इस वक्त बढ़ता हुआ। गंगा गंगा इंगोले आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए, ये बड़ा झटका लगा है, ये बड़ी मछली जाल में फंसी है, क्योंकि अगर गंगा जैसे आउट हो रहे हैं तो फिर उसके बाद जो निचले क्रम के बल्लेबाज आएंगे उनको दबाव होगा, प्रेशर होगा, और जो भी टीम है इस प्रेशर को सही तरीके से हैंडल करेगी वही जीत की लगातार होगी। इस वक्त खुद कप्तान विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं सितेश,
अब सेनापति खुद उतरे हैं, अब उन्हें अच्छी पारी खेलनी होगी। देखिए टीम अगर जीतती है तो टीम की प्रशंसा होती है, अगर टीम हारती है तो कप्तान के ऊपर वो जिम्मेदारी आती है। अब देखना ये है कि देख यहाँ पर बैट्समैन जो आए हैं कप्तान वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। सितेश विकेटों के बीच में जोड़ी नजर आती हुई इस वक्त एक तरफ की कमान संभाली है बल्लेबाज जयेंद्र ने। इस बार ये प्रहार किया है गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी लेकिन यहां पर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 6 लगने के बाद देखिए मैच में कमबैक यहां पर जरूर किया है बल्लेबाजी वाली टीम ने। मैच का सिचुएशन चेंज हुआ है, गेंदें बची हैं 8 और जीत के लिए 11 रनों की जरूरत है, 11 रनों की दरकार है इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। तो जीतू बैकर्स रेडी पोजीशन में रहिएगा, नेक्स्ट मैच आपका है, ताबड़तोब ग्राउंड का ताबा ले रहे हैं आपको और मैच की शुरुआत ताबड़तोब करनी है। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी और यहां पर देखिए खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। अगर गेंद को सही तरीके से फील्ड कर लेते श्रीकांत तो शायद यहां पर एक दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन चलिए यहां पर स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 23 रनों पर दर्शाता हुआ। अगली गेंद इस बार सिंगल ही नजर आता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, मैच में अभी भी रोमांच थोड़ा सा बना हुआ है क्योंकि 6 गेंदें बची हैं और 9 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें 9 रन, 6 गेंदों में 9 रन की दरकार इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है खुद कप्तान श्रीकांत। चलिए फील्डिंग की टीम ताबड़तोब अपनी फील्डिंग सेट कर ले। एक टुकड़ा तरी भेटला पाहिजे सगळे। चलिए श्रीकांत सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर
सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त बल्लेबाज जैन जैन जी की अगर बात करें तो इस वक्त वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 9 रन 5 गेंदों में 9 रन उन्होंने जड़े हैं जिसमें एक सिक्सर और 3 सिंगल की मदद से ये स्कोर बनाने में कामयाब रहे। इसी बीच ये पहली गेंद और यहाँ पर किया प्रहार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। क्या बात है, जो दबाव था वो दबाव अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर श्री कृष्णा स्पोर्ट्स दीवा की टीम का। बिल्कुल इस वक्त रनों की जो जरूरत है, 5 गेंदें हैं, 3 रन की जरूरत है, चमत्कारी गेंदबाजी करनी हो तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो फिर यहाँ पर बल्लेबाज अटैकिंग में मूड में नजर आते हुए। श्रीकांत की अगली गेंद अटैकिंग फील्डिंग जरूर लगाई है, बिल्कुल यहाँ पर क्लोज फील्डिंग यहाँ पर सजाते हुए। और यहाँ पर देखिए मैच हुआ समाप्त 2 गेंदों में ही, यहाँ पर विजेता अपने आप को घोषित करती हुई अंतिम और आखिरी 2 गेंदों पर वो टीम रही श्री कृष्णा स्पोर्ट्स एरुली दीवा। कॉन्ग्रेचुलेशन, चलिए जीतू बैकर्स वर्सेस श्री